ये वीडियो हर उस पर्सन के लिए रेलेवेंट है जो अभी अभी कैट 2022 दे के आए हैं, या उनके लिए भी जो कैट 2023 देने वाले हैं लेकिन अपने फाइनल ईयर में। पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगी जो कैट 2022 दे के आए हैं। फाइनली इट इज डन, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी इट इज डन। चाहे आपका एग्जाम कैसा भी हुआ हो, अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, विल टॉक अबाउट इट, बट आई एम सो प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यू शुड ऑल्सो गिव अ पैट ऑन योर बैक बिकॉज इट्स Definitely not easy, and I'm sure it must have been a tough journey. So before anything and everything, before you make any decision, before you think आगे क्या करना है, just give a pat on your back because you have definitely come a long way. जिनका exam तो अच्छा हुआ है उनसे मैं video के end में बात करना चाहूंगी, लेकिन जिनका exam अच्छा नहीं हुआ है पहले मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। Guys, I understand इस समय बहुत सारे thoughts आपके दिमाग में चल रहे होंगे, but please कोई भी impulsive decision मत लेना, थोड़ा time दो इस चीज को and then make the choice कि क्या आपको कोई बी स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए, या आपको नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचना चाहिए, या इस जर्नी से ही पीछे हट जाना चाहिए। कोई भी रैश डिसीजन मत लो, ये वीडियो उसी चीज में आपका हेल्प करेगी कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। इस समय इन टोटल 3 सिनेरियोस पॉसिबल हैं किसी भी ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसका एग्जाम अच्छा ना हुआ हो। पहले 2 सिनेरियोस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके लिए इसी साल MBA करना जरूरी नहीं है, और तीसरा सिनेरियो उस पर्सन के लिए जिसके लिए MBA करना जरूरी है। हो सकता है एज का कंसर्न हो, या हो सकता है कि ऑलरेडी कितना ड्रॉप लेंगे, कितनी बार अटेम्प्ट देंगे, इसलिए MBA करनी जरूरी है। लेकिन फॉर द फर्स्ट 2 कैटेगरीज, अगर आपके लिए इसी साल कोई भी बी स्कूल ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, इन दैट केस देर आर फर्दर 2 पॉसिबिलिटीज। पहला सिनेरियो इज कि आप ऑलरेडी एक ड्रॉप ले चुके हो एंड आपने ये कैट का एग्जाम अपने ड्रॉप ईयर में ही लिया था। इन दैट केस अगर आपका ड्रॉप 1 साल से ज्यादा हो चुका है, आई वुड पर्सनली नॉट रिकमेंड यू टू टेक अनदर ड्रॉप। उसका सिंपल सा कारण ये होता है कि जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, कोई भी ये समझना चाहेगा कि आपने उस गैप में, उस ड्रॉप में क्या किया। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी 1 साल कैट की तैयारी की थी, या कुछ महीने भी कैट की तैयारी की थी एंड आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, एक और साल सेम सिलेबस को कवर करने के लिए स्पेंड करना जरूरी नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि ऐसे स्टूडेंट्स नहीं होते जो 2 साल 3 साल ड्रॉप लेने के बावजूद एग्जाम को क्लियर नहीं करते। ऐसे स्टूडेंट्स डेफिनेटली होते हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी ओवरऑल प्रोफाइल कैसी होती है वो शायद आपको नहीं पता होगी। तो आप अपनी सिचुएशन को किसी के साथ बिना सारे फैक्ट्स जाने कंपेयर नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके लिए इसी साल MBA करना जरूरी नहीं है, अगर आप वेट कर सकते हो एक अच्छे कॉलेज लिए, तो कैट 2023 की दोबारा से तैयारी करो एंड मीनवाइल या तो किसी जॉब के लिए अप्लाई करो किसी भी फील्ड में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, या आप कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन करो। ऐसा कोई भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या इवन जॉब आपको इंटरव्यूअर्स को कन्विंस करने में हेल्प करेगी कि आपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज किया। दैट इज व्हाई आई वुड रिकमेंड कि आप फर्दर ड्रॉप मत लेना, आप कोई ऐसा कोर्स कर लो। जैसे एग्जांपल के लिए जो आज के हमारे स्पॉन्सर्स हैं, विच इज कोडिंग इनवेडर्स, IT की फील्ड में अगर कोई भी एंटर करना चाहता है तो दे हैव मेड अ कोर्स फॉर देम फ्रॉम स्क्रैच टू एम्प्लॉयमेंट। IT में बहुत सारी फील्ड्स हैं, देयर इज फ्रंट एंड, देयर इज बैक एंड, देयर इज डेटा साइंस। अगर आप में से किसी का थोड़ा भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो डू चेक दिस आउट, बिकॉज व्हाट दे हैव डन इज 9 months का ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो एक गारंटीड जॉब ऑफर करेगा एट द एंड ऑफ 9 months। सो पहले मंथ में आप ये सारे डिफरेंट फील्ड्स के बारे में समझोगे एंड एक बार आपने ये पढ़ लिया, फिर वो आपको एक करियर काउंसलर के साथ कनेक्ट करेंगे। वो आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि इनमें से कौन सी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है एंड उस फील्ड को आप 8 महीने के लिए स्क्रैच से पढ़ोगे। 8 months के बाद दे गारंटी कि आपकी एक जॉब लग जाएगी, एंड जिन लोगों की पहले जॉब्स लग चुकी हैं वो जनरली 10 to 25 lakhs की रेंज में। So at the end of 8 months, you will definitely have a job because they have a money back guarantee, which means अगर जॉब नहीं लगी, they will return your entire money. अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो और इसके बारे में और जानना चाहते हो, तो लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड यू कैन इवन यूज माय कोड SA20 टू गेट 20% ऑफ इन दिस जॉब गारंटी बैच। सो इसी तरह आप कोई भी और प्रोग्राम कर सकते हो, CFA कर सकते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग में सर्टिफिकेशन कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स में एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन ले सकते हो, या अगर चाहो तो जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें सुनने के बाद एक पर्सन के दिमाग में ये थॉट भी आ सकता है कि यार मैं कैट एग्जाम की तैयारी कैसे करूंगा अलोंग विद अ जॉब अगर मेरी जॉब लग गई। वेल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि अगर आपने एक बार कैट एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी कर रखी हो तो आपको सेकेंड टाइम उतना एफर्ट नहीं लगता है।
आप ऑलरेडी एक बार पैटर्न से गुजर चुके हो, आपने एग्जाम भी दिया हुआ है, आपको सिलेबस भी पता है, नाउ यू नो हाउ टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड हाउ टू गेट टू द लेवल क्विकर देन समवन जो पहली बार शुरू कर रहा होगा. सो आप मैनेज डेफिनेटली कर लोगे, उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन प्लीज उस सिचुएशन में मत पड़ जाना जहां आपने एक और ड्रॉप ले लिया एंड फिर आपको सारा टाइम ये टेंशन होती रहेगी कि अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो भी गया तो मैं इंटरव्यू कैसे क्लियर करूंगा. सो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फिल योर गैप. सेकेंड सिचुएशन ऐसे स्टूडेंट की है जिन्होंने अपने फाइनल ईयर में एग्जाम दिया होगा और वो जस्ट नेक्स्ट ईयर 2023 मिड में ग्रेजुएट हो जाएंगे. उनके लिए कंसर्न ये होगा कि वो कैट 2023 के लिए प्रिपेयर तो कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ कुछ ही महीने का ड्रॉप होगा, लेकिन एक डाउट आता है मन में कि क्या ये ड्रॉप मैं ले सकता हूँ या नहीं. इन दैट सिचुएशन आई वुड रिकमेंड कि आप उस ड्रॉप की बिल्कुल भी टेंशन मत लो. इतना छोटा ड्रॉप इज नॉट इवन कंसिडर्ड अ ड्रॉप. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर में कैट लिखते हैं और इस ड्रॉप में वो कुछ और एक्स्ट्रा करते भी नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैट की तैयारी करते हैं. तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू ज्वाइन एनी रैंडम बी स्कूल दिस ईयर. आप दोबारा से कैट एग्जाम लिखने की तैयारी करो और उस ड्रॉप को आप अपनी डिसएडवांटेज की बजाय एडवांटेज की तरह लो, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होगा जब आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे होगे और सिर्फ कैट की तैयारी कर रहे होगे और आपको कुछ और कर रहे होने की उस समय जरूरत भी नहीं होगी. ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दैट कि वो गैप नहीं माना जाता है, उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप अपने लिए एक बैकअप जरूर क्रिएट करना, क्योंकि आप अपने फाइनल ईयर में हो, आपके पास कुछ महीने अभी भी पड़े होंगे. ट्राई करो कि आपकी प्लेसमेंट लग जाए, या तो ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस. ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे होते हो, आपको आइडिया लग जाता है कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में होता क्या है एंड यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट ओनली द फैक्ट कि आपको एमबीए करनी है या नहीं करनी, बट अगर करनी है तो कौन सी फील्ड आपके लिए बेटर रहेगी. विच इज वाई आई वुड रिकमेंड कि अगर आप जॉब पा सकते हो तो जॉब की कोशिश करो, और अगर नहीं पा सकते तो एटलीस्ट इंटर्नशिप जरूर करो इन दीज फाइनल मंथ्स ऑफ योर कॉलेज ईयर्स, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली वो कॉर्पोरेट एक्सपोजर देके जाएगा विच विल हेल्प इन योर एमबीए. इस सिचुएशन वाले स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि वो अपने आप को मोटिवेट कैसे करें दोबारा से बुक्स उठाने के लिए. वो बुक्स जो उन्होंने इतनी शिद्दत से पढ़ी होंगी, अब दोबारा सेम सिलेबस से वो कैसे गुजरे. इस सिचुएशन में मैं आपको अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगी, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी एंड मैंने एग्जैक्ट यही चीज बोली थी कि मुझे नेक्स्ट ईयर दोबारा एमबीए या कैट की सेम वीडियोस बनाने का मन नहीं कर रहा. मैंने यही लाइन बोली थी कि मुझे सेम चीजें करना पसंद नहीं है. तो उस पर्सन ने मुझे जो बात बोली, दैट वॉज वेरी इम्पैक्टफुल एंड आई वुड से दैट टू यू एज वेल. उसने बोला कि जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, वो सेम ही सिलेबस हर साल अपनी क्लास को पढ़ाते हैं, बट वो हर साल कोशिश करते हैं कि वो उसी सिलेबस को बेटर कैसे पढ़ा पाए. तो अगर मैं एक अच्छी क्रिएटर हूँ तो मैं सेम वीडियोज को बेटर कैसे प्रेजेंट कर पाऊंगी, मैं उसके ऊपर काम करूंगी. और अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हो तो आप सेम सिलेबस को बेटर कैसे कवर कर पाओगे, आप उस पर काम करोगे. तो हमारा फोकस सिर्फ अपने कल से बेटर होने पे होना चाहिए एंड देन वी विल डेफिनेटली डू बेटर इन द नेक्स्ट एग्जाम. थर्ड सिचुएशन है एक ऐसे स्टूडेंट की जिसके लिए इसी साल एमबीए करना जरूरी है. ड्यू टू वॉट एवर रीजन, आपका कोई भी सर्कमस्टांस हो सकता है, कोई फैमिली रीजन या कोई एज का इशू जिसकी वजह से आप चाहते हो कि मैं इसी साल कोई ना कोई बी स्कूल ज्वाइन कर लूं. इन दैट सिचुएशन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने चांसेस को जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना मैक्सिमाइज करो, विच मीन्स कि आप अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम जरूर लिखो. आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे एग्जाम्स और उनकी लास्ट डेट्स मेंशन है जो अभी भी आप ले सकते हो. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उनके फॉर्म्स भरो ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस आपके लिए ओपन हो पाए. इस लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज दी जैट एग्जाम, जिसकी लास्ट डेट 30th ऑफ नवंबर है. प्लीज डेफिनेटली राइट दैट एग्जाम, बिकॉज वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आपके डोर्स ओपन कर सकता है. या इवन अगर आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखना चाहते हो तो आप कैट एग्जाम के रिजल्ट की वेट कर लो एंड उस रिजल्ट के आने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी परसेंटाइल के हिसाब से, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा. आने वाले दिनों में आई विल एड मोर वीडियोज टू द प्लेलिस्ट एमबीए कॉलेजेस, ताकि आप अलग अलग एमबीए कॉलेजेस के बारे में जान पाओ. बट फॉर नाउ कीप योर ऑप्शंस ओपन एंड जस्ट कीप एन ओपन माइंड कि कुछ भी हो सकता है. दैट इज वाई अभी के लिए टेक मोर एंड मोर एग्जाम्स एंड अप्लाई टू मोर एंड मोर कॉलेजेस. अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स से जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है.
आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू, लाइक आई एम जेन्युइनली जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर यू. आई अंडरस्टैंड कितनी मेहनत की होती है एक साल में जो फाइनली रिजल्ट करती है इनटू समथिंग ब्यूटीफुल. सो आई एम मेकिंग श्योर कि आने वाले दिनों में आई क्रिएट मोर वीडियोज ऑन इंटरव्यू प्रिपरेशन, ताकि आप अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए प्लानिंग कर पाओ. आई वुड ऑल्सो अर्ज कि आप आज से ही न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना शुरू कर दो. इनफैक्ट जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें मैंने ऐसी वेबसाइट्स और सोर्सेज मेंशन किए थे जिसमें फाइनेंस, इकोनॉमी, बिजनेस की नॉलेज है. सो डेफिनेटली चेक दैट आउट. आई नो आपने लास्ट की बहुत सारी वीडियोज मिस की हैं चैनल की, बट दैट वीडियो विल श्योरली हेल्प यू किक स्टार्ट दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन जर्नी. एंड इनफैक्ट आई विल मेक अ कोर्स ऑन GDPI प्रिपरेशन. मैं अपने पुराने कोर्स को रिन्यू करूंगी. आई विल एड मोर थिंग्स एंड आई विल ऑल्सो ट्राई प्लानिंग सम सेशंस ताकि आप अपने इंटरव्यूज के लिए ग्रूम हो पाओ. आप ऑलरेडी एक बहुत लंबी जर्नी से आ रहे हो, टेक अ ब्रेक. दैट ब्रेक इज वेल डिजर्व्ड, वेल ड्यू. लेकिन एट द सेम टाइम कुछ दिन बाद हमें वापस स्टार्ट करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट पड़ाव है उसके लिए मेहनत लगेगी. सो रेडी हो जाओ. अभी के लिए फिलहाल न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना शुरू करो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियोस जो आने वाले दिनों में इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर आने वाली हैं. ओवरऑल आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू एनीवन हु इज वॉचिंग दिस, एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ एवरी वन ऑफ यू जिसने पूरा साल दिया है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट. लाइक आई टोटली मीन इट. आई मीन इट कि आपने पूरा साल बहुत मेहनत की है. सो अगेन सेइंग, गिव अ पैट ऑन योर बैक, इट इज़ वेल डिजर्व्ड.